ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज की पांच बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। अलीगढ़ में एक ढाई साल की बच्ची का हत्या की गई है। आरोप है कि पहले बच्ची के साथ रेप की गई, उसके बाद उसकी हत्या की गई है। हत्यारा पड़ोसी ही बताया जा रहा है, मगर ये मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है। बच्ची खेलने के लिए बाहर गई थी, मगर उसकी हत्या हो गई। लापरवाही बरतने के आरोप में एक इंस्पेक्टर, एक सिपाही, तीन दरोगा को निलंबित किया गया है, मगर इस बच्ची की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। वहीं बॉलीवुड सितारे भी ट्वीट कर दुख जता रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं, मगर वहीं पुलिस की तरफ से रेप की बात को इनकार किया गया है और इस घटना को आपसी रंजिश बताई गई है। धानु पनवेल भिवंडी रेलवे स्टेशन पर सुबह 7:45 प्लेटफार्म नंबर 2 पर ट्रेन आई जो पनवेल की तरफ जाने वाली थी। रवि तिवारी नामक एक यात्री ट्रेन में चढ़ने लगा, मगर दरवाजे पर खड़े किशन पवार ने रवि को धक्का दे दिया, जिसकी वजह से रवि का मोबाइल नीचे गिर गया और किशन मोबाइल लेकर भागने लगा, मगर ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ के जवान गणेश नागमती आरोपी किशन को दौड़ाकर पकड़ लिया। आरोपी को दिवा आरपीएफ के हवाले कर दिया गया है और डोंबिवली जीआरपी ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है और मोबाइल रवि तिवारी को कागजी कार्रवाई कर लौटा दिया गया। भिवंडी के 3 बत्ती रॉयल प्लाजा के सामने ताज मार्केट में आग लग गई थी। ये आग 2 मंजिला इमारत में लगी थी। बताया जा रहा है कि इसमें कपड़े के दुकान थे जो जल गए हैं, लाखों का नुकसान हुआ है। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुँच गई और आग पर काबू पा लिया। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को थाने की कोर्ट के आदेश के बाद अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। इकबाल कास्कर को कोहनी और घुटने में दर्द की शिकायत है। कोर्ट ने थाने सेंट्रल जेल प्राधिकरण को निर्देश दिए हैं कि इकबाल कास्कर को मुंबई के सेंट जॉर्ज या फिर जेजे अस्पताल में भर्ती किया जाए। मालेगांव ब्लास्ट की मुख्य आरोपी और भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर शुक्रवार को मुंबई की विशेष एनआईए की कोर्ट में सामने पेश हुई। सांसद बनने के बाद पहली बार एनआईए के कोर्ट में पेश हुई है। इससे पहले अक्टूबर 2018 में आरोप तय होने के दौरान अदालत में हाजिर हुई थी। हालांकि इन्हें गुरुवार को ही कोर्ट के सामने पेश होना था, लेकिन सेहत ठीक नहीं होने की वजह से ये कोर्ट में पेश नहीं हो पाई थी। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।